टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मुम्बरा के आनंद कोलीवाड़ा में मनपा ने कार्रवाई कर 4 मंजिला इमारत को सील कर दिया। मनपा अधिकारी सागर चालुंखे ने बताया है कि इमारत धोखादायक हो चुकी थी और तेज बारिश की वजह से कभी भी हादसा हो सकता था, इसलिए इस पांडु निवास इमारत को सील कर दिया गया है। इमारत में कुल 40 टेनेंट रहते थे, जिसमें से 36 टेनेंट पहले ही खाली कर चुके थे, मगर 4 टेनेंट अभी भी इसमें रह रहे थे। साथ ही नीचे जो दुकानें हैं उन दुकानदारों ने भी अभी खाली नहीं किया था, जबकि इमारत में कई जगहों पर दरारें पड़ चुकी हैं, ये काफ़ी खतरनाक हो चुकी है। आज कार्रवाई के वक्त मनपा अधिकारी सागर सालुंखे, पूर्व नगर सेवक मोरेश्वर कीने मौजूद थे। इमारत के नीचे दुकानदारों को 2 दिन का समय खाली करने के लिए मनपा ने दिया है। हालांकि इमारत में दुकानों को छोड़कर बिजली पानी का कनेक्शन काट दिया गया है। ये आनंद कोलीवाड़ा स्थित पांडु निवास बिल्डिंग है, इसमें टोटल 42 टेनेंट है। तो 2 महीने से पिछले मनपा कार्रवाई करने आ रही है, लेकिन उन्होंने C2A का रिपोर्ट लाया था, लेकिन आजकल मौसम इतना ख़राब है, जो हवा चल रही तेज़ी से, उस हिसाब से आज वो खाली कराने आए थे। ऑलरेडी इसमें से 36 टेनेंट कुछ खाली हो चुके, बचे 4-5 टेनेंट है, उनको मंडे तक का वक्त दिया गया, संडे शाम तक का, तो वो भी जल्द से जल्द खाली हो जाएंगे। नीचे जो दुकान है, सुनने आ रहा है कि दुकान वाले खाली नहीं करने को बोल रहे हैं, ऐसा कुछ है मामला? तो खाली करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो उन्होंने अल्टीमेटम देके गए, नहीं आएंगे तो खुद से सील करके जाएंगे, क्योंकि उनको मैंने 2 दिन का टाइम मांगा, तो बोले ठीक है 2 दिन में उनको सामान हटाने के लिए वक्त देता हूँ, आप मंडे तक मुझे वक्त देता हूँ और मंडे तक खाली करा के देता। मैं बोला ठीक है, मैं बात करके उनसे सामान शिफ्ट करा के जल्द से जल्द खाली करा दूँ।